फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के पर्चा काउंटर पर महिला होमगार्ड कांस्टेबल को दो महिलाओं ने थप्पड़ों से की जमकर मारपीट। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, आरोपी महिला को लिया हिरासत में। मारपीट की तस्वीर है फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की। अब आपको बता दें मारपीट के पीछे क्या वजह रही। मोहर्श्री नामक महिला दूसरी महिला के साथ जिला अस्पताल में दवाई लेने आई थी। डॉक्टर का पर्चा बनाने के लिए बिना लाइन में खड़ी हो गई, जिसको महिला कांस्टेबल मंजू देवी ने विरोध किया। फिर क्या था, मोहर्श्री और दूसरी महिला ने महिला कांस्टेबल के बीच भीड़ में जमकर मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। फिर वो याता भाई एक दो लोग और आए, उनके पीछे से मुझे मारने लगे पकड़ के। मैं एच जी हूँ 15-15 और यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। पर्चे किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? वही बिना लाइन के पर्चा बनवाने के लिए, बिना लाइन में नहीं लग रही थी और पब्लिक बोल रही थी मैडम इन्हें लाइन में लगाइए, और हम लोग सुबह से लाइन में लगे हैं। हमने ये कहा अम्मा लाइन में लग जाओ, ये लाइन में नहीं लगी, इसलिए ये मुझसे हाथापाई करने लगी, उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिए।